अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पैराग्राफ की सेटिंग के हवाले से। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर दो पैराग्राफ मैंने इंसर्ट कर रखे हैं। नॉर्मली हम लोग जो सेटिंग्स करते हैं पैराग्राफ की, वो आपको पता है कि हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करते हैं, यहाँ से आप इसका साइज वगैरह इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, और यहाँ से आपकी इसकी कलरिंग करते हैं, बुलेट नंबरिंग करते हैं, और इसकी लाइन स्पेसिंग और फॉन्ट की जो अलाइनमेंट है लेफ्ट राइट या सेंटर, वो हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं। तो आज मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड की मदद से, शॉर्टकट की मदद से आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स फॉन्ट का ओपन हो गया। ये सेम यही ऑप्शंस हैं सारे, लेकिन इसमें कुछ एडवांस ऑप्शंस आपको इफेक्ट्स की सूरत में यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो बजाय इसके कि हम यहाँ से वन बाय वन चीज़ों को सेट करें, हम इसी एक डायलॉग बॉक्स के थ्रू इस पैराग्राफ की सेटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला है हमारा फॉन्ट का ऑप्शन, यहाँ से आप इसका फॉन्ट चेंज कर लें। ये यहाँ पे नीचे आपको सैंपल शो कर रहा है, यहीं से आप इसको बोल्ड, इटैलिक, अपनी मर्जी से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो कर सकते हैं, और साइज आप इधर से ही इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल इसका, जो फॉन्ट का इस पैराग्राफ के बाद का आएगा कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट, वो भी आप इस यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। और यहाँ से आप इस, ये है हमारे पास फॉन्ट कलर है, फॉन्ट कलर आप यहीं से इसका चेंज कर सकते हैं। अंडरलाइन अगर आप करना चाहते हैं तो अंडरलाइन का कौन सा स्टाइल होगा, आप यूजली जब कंट्रोल यू के जरिए उसको अंडरलाइन करते हैं तो आपको पता है कि वो सिंगल डिफॉल्ट में सिंगल लाइन आती है, तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन के भी मुख्तलिफ शेप्स उसने दे दिए हैं। डबल अंडरलाइन है और थिक अंडरलाइन है, और इनमें से अगर कोई आप करना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रीव्यू में शो कर रहा है। अंडरलाइन को अगर आप कलर करना चाहते हैं तो अंडरलाइन को यहाँ से आप कलर भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट है स्ट्राइक थ्रू, अगर टेक्स्ट के ऊपर आपने लाइन लगानी है स्ट्राइक लाइन, तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं इस इफेक्ट के जरिए, और डबल स्ट्राइक चाहिए तो ये डबल स्ट्राइक को आप क्लिक कर देंगे तो टेक्स्ट के ऊपर आपके डबल स्ट्राइक आ जाएगी। टेक्स्ट का सुपर स्क्रिप्ट है तो इसको, जैसा कि हम कुछ स्केयर या इस तरह को फॉर्मूला वगैरह लिखते हैं, जैसा कि एक सही एक बटा दो, जैसे आप इक्वेशन वगैरह लिखते हैं तो वो आप सुपर स्क्रिप्ट करना चाहते हैं, वैसे तो एमएस वर्ड में ऑटोमेटिकली हो जाती है, लेकिन अगर आप खुद से कोई सुपर स्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसी तरीके से सब स्क्रिप्ट है, अगर आप उसको नीचे की तरफ से लिखना चाहते हैं तो वो आप सुपर स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। टेक्स्ट को शेडो देना चाहते हैं तो यहाँ से आप टेक्स्ट को शेडो भी दे सकते हैं। टेक्स्ट की सिर्फ आउटलाइंस चाहिए तो यहाँ से टेक्स्ट की खाली आउटलाइंस भी आप ले सकते हैं। एम्बोस्ड है, इसमें इफेक्ट है, इनग्रेव का इफेक्ट है, ये भी आप लगा सकते हैं। स्मॉल कैप्स में अगर आपको चाहिए तो फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेगा, बाकी जितने भी लेटर्स होंगे उनको ऑटोमेटिकली वो उससे छोटा करके आपको टेक्स्ट में दे देगा। इसका एक मैं डेमो आपको दिखाता हूँ स्मॉल कैप्स। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट लेटर होगा डॉट के बाद या फुल स्टॉप के बाद, तो उसको वो कैपिटल कर देगा। तो कंट्रोल डी करके हम वापस जाते हैं, यहाँ पे हम ऑल कैप्स को ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट ऑल कैप्स से वापस आ गया। अगर आपको तमाम वर्ड्स जो हैं वो कैपिटल में चाहिए तो ऑल कैप्स कर दें, या से ओके करेंगे तो ये देखिए हमारे तमाम वर्ड्स जो हैं कैपिटल हो गए। ऐसे इसकी शॉर्ट की भी है, लेकिन इस शॉर्ट की के जरिए आप इसको कर सकते हैं, इसको आप कंट्रोल डी के साथ यहाँ पे जाके यहाँ से भी कर सकते हैं।
इसी तरीके से हिडन का एक ऑप्शन है, यहाँ पे हम हिडन को चेक करते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप आपका टेक्स्ट जो है वो उसने हिडन कर दिया। कंट्रोल डी करके वापस जाते हैं। तो ये था हमारा कंट्रोल डी का फंक्शन, जिसमें आपको यहाँ से कोई भी किसी भी किस्म की फॉर्मेटिंग अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये अंडरलाइन के स्टाइल को भी हम हटा देते हैं यहाँ से। ये तो नेक्स्ट है हमारा जो इंडेंट है, हैंगिंग इंडेंट। यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है, फर्स्ट लाइन नॉर्मली आप क्या करते हैं, पैराग्राफ को अगर यहाँ से आप टैब के जरिए स्पेस देना चाहते हैं तो वो जो डिफॉल्ट आपकी टैब की सेटिंग है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर वो आप मैनुअली नहीं करना चाहते हैं तो इस टॉप इंडेंट के जरिए आप इसको ड्रैग करके जितना आपको यहाँ पे चाहिए मार्जिन आपको इसको क्लिक कर सकते हैं। तो ये मार्जिन आप आपने अपनी मर्जी से इस तरीके से सेट कर लेना। अगर आपने पूरा पैराग्राफ को यहाँ से मार्जिन देना है तो आप यहाँ से इसको बॉटम वाले से यहाँ से क्लिक करके आगे करेंगे तो ये आपका पूरा जो पैराग्राफ होगा ये इस मार्जिन पे आपका सेट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको रिज्यूम कर लेते हैं, हम इसको इतना यहाँ पे सेट कर देते हैं। इसी तरीके से हमारा राइट इंडेंट है, राइट इंडेंट अब ये आपका बिल्कुल मार्जिन के साथ आ रहा है। अगर आप इसको पैराग्राफ को चाहते हैं कि आपके पेज से तकरीबन 2-3 इंच तक जितना भी आपको चाहिए है वो साइड से जगह खाली छोड़ दे तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा नीचे वाला पैराग्राफ वहीं पे है, सिर्फ जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका जो राइट इंडेंट है वो उसने चेंज कर दिया। अब जब आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से जस्टिफाई वगैरह करेंगे तो अब ये इस मार्जिन से ये टेक्स्ट आपका बाहर नहीं जाएगा। इस मार्जिन को कम या ज्यादा अगर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब नीचे वाला पैराग्राफ जो है हमारा इस इंडेंट से बाहर है, यानी कि वो अपनी डिफॉल्ट सेटिंग पे है। ये मार्जिन आपके पास बच जाएगा, इस मार्जिन में आप अपनी मर्जी से कोई पिक्स वगैरह लगा सकते हैं या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसको फिल कर सकते हैं। मैं इस फॉन्ट को कंट्रोल की मदद से भी छोटा या बड़ा कर सकता हूँ और यहाँ से भी आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं जितना आप करना चाहेंगे, ये आपका इस इंडेंट से बाहर नहीं जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये आप मार्जिन जो है ये अपनी मर्जी से यहाँ से मैनुअल भी सेट कर सकते हैं, और अगर आप अपना इंडेंट सॉरी टैब स्पेसिंग को मैनुअली टाइप करके पूरे पेज के लिए, मतलब जहाँ भी आप टैब का बटन प्रेस करेंगे तो वो एक जितनी स्पेस आपको प्रोवाइड करेगा वो कैसे करना आपने, आप यहाँ पे ब्लैंक जगह पे जैसे राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास है पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर आपने टैब्स का ऑप्शन खोल लेना है, यहाँ पे आपको मार्जिन बता रहा है। डिफॉल्ट टैब स्टॉप जो है, यानी जब आप टैब प्रेस करेंगे तो उसका डिफॉल्ट मार्जिन आएगा 1.5। 1.5 का मतलब है ये आपका 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 1 है और ये वाला जो पॉइंट सेंटर में आपको थोड़ा सा थिक नजर आ रहा है ये 0.5 है और इसके बाद ये 2 है। यानी अगर आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे और टैब प्रेस करेंगे तो ये 1.5 के मार्जिन से यहाँ तक आएगा। इस मार्जिन को आप अपनी मर्जी से 2 कर लेते हैं हम, इसको ओके करते हैं। अब जब आप यहाँ से टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें ये बिल्कुल इस 2 के मार्जिन के पे आके रुक गया है। अब जैसे ही आप दोबारा टैब प्रेस करेंगे तो ये 4 के मार्जिन पे आ जाए, दोबारा प्रेस करेंगे तो ये 6 के मार्जिन पे आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप इसको कम करना चाहते हैं, मैं एक दफा कम करके भी आपको बता देता हूँ। टैब्स के अंदर चले जाते हैं, मैं इस मार्जिन को 1 कर देता हूँ या इसको मैं 0.5 कर देता हूँ, इसको ओके करेंगे।
अब टैब प्रेस करेंगे तो आप देखें ये 0.5 के मार्जिन पे हमारा आ गया है। अब दोबारा टैब प्रेस करेंगे तो ये 1 पे आ जाएगा, यानी ये 0.5 के हिसाब से मूव करता जाएगा। दोबारा चलते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करके वापस जाते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन था फॉन्ट का, अभी है हमारे पास कैरेक्टर स्पेसिंग। तो स्केल है यहाँ पे जो कैरेक्टर स्पेसिंग की स्केल है, यानी कि जो आपके अल्फाबेट लिखे हुए हैं, कोई भी वर्डिंग लिखी हुई है तो उसके अंदर जो स्पेस आती है उसका मार्जिन आप कितना, उसको कैसे आप फिट करना चाहते हैं, कम रखना चाहते हैं, ज़्यादा रखना चाहते हैं। यहाँ से मैंने इसको 90% कर दिया है, तो इस पैराग्राफ में आपको चेंज नजर आएगा। तो उसने इन वर्ड्स को कंजस्टेड कर दिया क्योंकि वहाँ से स्केलिंग मैंने उसकी 100 से कम करके 90% कर दिया। दोबारा कंट्रोल डी करके वापस जाते हैं, मैं स्केलिंग को ज़्यादा कर देता हूँ, 200 पे ले जाता हूँ, ओके करता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं कि उसने वर्ड्स की जो बिटवीन स्पेसिंग है एक वर्ड से दूसरे वर्ड की, उसने उसको ज़्यादा कर दिया। कंट्रोल डी करके दोबारा वापस जाते हैं, मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ 100 पे, तो इट इज़ नाउ ऑन 100। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे स्पेसिंग का ऑप्शन है, आप इसको एक्सपेंडेड स्पेसिंग पे ले जाएं और यहाँ पे आप देखें कि जो फॉन्ट की जो लाइन की स्पेसिंग है और जो वर्डिंग की स्पेसिंग है उसमें उसने चेंज कर दिया। आप इसके अंदर यहाँ से कंट्रोल डी करके इसको कम या ज़्यादा करके भी चेक कर सकते हैं, जैसा आपको सूट लगे, जैसे आपको टेक्स्ट का स्पेसिमेंट चाहिए उस हिसाब से आप इसको चेंज कर लें जी। तो अब चलते हैं ज़रा लाइन स्पेसिंग और बुलेट एंड नंबरिंग की तरफ। तो यहाँ से आपने इस सेक्स को सिलेक्ट किया है, आपको यहाँ से जो एक लाइन से दूसरी लाइन का जो बीच का स्पेस है उसको अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको 1 बाई 1 लाइन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से भी आप इसका कर सकते हैं 1.5 जो भी आपको चाहिए, या मजीद लाइन स्पेसिंग ऑप्शन चाहिए तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं आपको यहाँ से पैराग्राफ और फॉन्ट का बता रहा हूँ तो आप पैराग्राफ के अंदर चले जाएं। तो ये 1.5 लाइंस जो है आप इसको सिंगल डबल अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी सिंगल लाइन स्पेसिंग पे हमारे पास इसका जो मार्जिन है उसने कम कर दिया। दोबारा चलते हैं राइट क्लिक करके पैराग्राफ में, अगर यहाँ से आपको लाइन स्पेसिंग चाहिए तो यहाँ से भी आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये जो है आपकी पैराग्राफ की, जब यहाँ से आप एंटर करेंगे तो एंटर के बाद जो मार्जिन आएगा ये उसको सेट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास बुलेट एंड नंबरिंग। तो अगर आप इस पैराग्राफ को या ज़्यादा आपने लाइंस में कोई ऑप्शन या सब ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसको आप यहाँ से बुलेट्स वगैरह भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर बुलेट्स देना चाहते हैं तो आप यहां से जाके बुलेट एंड डिफाइन न्यू बुलेट्स पर चले जाएं। तो यहां पे आपको पिक्चर्स में मज़ीद आपको शो कर देगा। तो ये ऐसा ऐसा ओपन होना शुरू हो गए, आपको जो भी बुलेट चाहिए आप यहां से इसको उसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ओके कर दें, ओके कर दें। तो ये देखिए हमारा बुलेट जो है, जो हमारा इस लिस्ट में नहीं था वो यहाँ पे एक तो ऐड हो गया है, दूसरा उसने यहाँ पे इसको लगा दिया है। ये तो वापस चलते हैं, अगर नंबरिंग आपको चाहिए तो 1, 2, 3 नंबरिंग आप दे सकते हैं यहाँ से, ABC अगर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, और खुद से कुछ डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको नन कर देते हैं और हम इसके कुछ शॉर्ट कीज का जायजा लेते हैं। अगर आप इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं यहाँ से भी आप कर सकते हैं और कंट्रोल जे की मदद से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं जी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको पैराग्राफ की सेटिंग्स और कंट्रोल डी की मदद से जो फॉन्ट के अंदर के जो ऑप्शंस हैं उनको मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।